क्या यह कोई छोटी मोटी बात है? और जो भ्रष्टाचार के मामले में जेल में हो अथवा बेल में हो, वो उपदेश देंगे नीतीश कुमार को? लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने के बावजूद कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि नीतीश कुमार के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी। नीतीश कुमार जी के बारे में भी इस समय जो आ रहा है तो बोल रहे बहनों भाइयों, नीतीश कुमार जी के बारे में चाहे कोई कुछ भी कह जाए, लेकिन इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, चाहे कहीं भी रहे, दुनिया का ताकतवर देश बन चुका है। भारत की हैसियत यहां बैठे बैठे लोगों के, आप यहां के लोग जो विदेशों में हो, आप उनसे पूछ लीजिए भारत को अब लोग किस नजरिए से देखते हैं। हालात यहां के और बिहार के विशेष रूप से इन लालटेन वालों ने अजीबोगरीब बना दिया। नीतीश कुमार जी और हम लोगों की, भाजपा के लोगों की मिली जुली सरकार है। नीतीश कुमार जी के बारे में भी इस समय जो आ रहा है तो बोल रहे बहनों भाइयों, नीतीश कुमार जी के बारे में चाहे कोई कुछ भी कह जाए, लेकिन इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, चाहे कहीं भी रहे, लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने के बावजूद कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि नीतीश कुमार के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी। क्या यह कोई छोटी मोटी बात है? और जो भ्रष्टाचार के मामले में जेल में हो अथवा बेल में हो, वो उपदेश देंगे नीतीश कुमार को? अपने गिरेबान में झांक कर उन्हें देखना चाहिए। बहनों भाइयों, आज ही चुनावी घोषणा पत्र जारी हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने कहा जो चुनावी घोषणा पत्र तैयार होगा उस कमेटी की अध्यक्षता राजनाथ सिंह करेंगे, और उन्होंने जिम्मेदारी दी थी। आज उसका विमोचन हुआ है। समाचार पत्रों के माध्यम से आपको जानकारी मिल जाएगी। बहुत सारी चीजों की मैं चर्चा करूंगा तो लंबा समय लगेगा। अब कोरोना के दौरान आपको 5 किलो राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? भैया जब पीछे बताइए, मिल रहा है कि ना मिल? हम जान तो लें, मिल रहा है सबको, ईमानदारी से मिल रहा है ना? कम तो नहीं मिलता? परिवार में एक ही लोगों को मिलता है ना? चुप्पी, परिवार में एक ही लोगों को मिलता है, सबको मिलता है? बहुत लोग लेते होंगे, और मुझे मालूम है 5-5 लोग लेते हैं, खाते भी है बेचते भी है। यह मोदी जी की सरकार में हो सकता है। और बहनों भाइयों, अगले 5 वर्ष तक यह योजना चलती रहेगी, आपको विश्वास दिलाता हूं, अगले 5 वर्ष तक यह योजना चलती रहेगी। आयुष्मान भारत कार्ड, 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। मैं जानता हूं बड़ी संख्या में, हमारे पास आंकड़े शायद पता नहीं यहां है कि नहीं, लेकिन लगभग 87 लाख लोगों को बिहार में आयुष्मान भारत कार्ड मिला है, जिसका मतलब यह होता है 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। और आज यहां जो हमारे बुजुर्ग भी हैं, जिनकी आयु 70 वर्ष से ऊपर है, चाहे वह किसी भी जात के हों, चाहे जो भी आमदनी होती हो, आज हम लोगों ने फैसला किया है, इस बार सरकार बनने के बाद, जुलाई के बाद मेरे बहनों भाइयों, 70 साल के ऊपर जितने लोग हैं, चाहे किसी जाति पंथ मजहब धर्म के क्यों न मानने वाले हों, सबका 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज किया जाएगा। पति पत्नी बहन जो भी परिवार है,